नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि आत्मा कहां से आती है और कहां को जाती है। हमारे आपके मन में अक्सर यह सवाल उत्पन्न होता होगा कि आत्मा कहां से आती है और कहां को जाती है। दोस्तों हमारे सत्य सनातन हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार आत्मा परमपिता परमेश्वर की ज्योति से निकलकर इस संसार में मनुष्य जन्म धारण करती है। यदि मनुष्य के कर्म बुरे हुए तो जीवात्मा नरक में जाती है, यदि कर्म उच्च हुए तो स्वर्ग में जीवात्मा जाती है, और यदि कर्म मध्यम हुए तो फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, जिसे दोस्तों दूसरे शब्दों में उद्धार का एक अवसर और मिलना कहा जाता है। दोस्तों यदि आपके कर्म अति उच्च हुए तो जीवात्मा भवसागर पार उतर जाती है, यानी 84 लाख योनियों के आवागमन से छूट जाती है। नरक के बाद जीवात्मा अन्य योनियों में जाती है, जबकि स्वर्ग काल पूरा कर जीवात्मा मनुष्य के तन में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह छोटी सी जानकारी थी कि आत्मा कहाँ से आती है कहाँ को जाती है। तो आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलेगा।